राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमने बार बार मिलकर आपकी जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में बात की। आईसी कम्युनिटी के बीच हम बैठे हैं जिन्होंने सारी दुनिया में दुनिया के देशों के साथ हमारे भारतवासियों को जोड़ा। इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा गया लेकिन व्यापारियों को ले जाने वाले सब आप ही लोग थे जो अफ्रीका गए, गल्फ गए, अमेरिका गए, दुनिया के हर देश में आप गए। और कांग्रेस की सरकारें थी तो आपके पास एक छोटी सी होड़ी थी, हल्ले सा से या सर से आप चलाते थे। कांग्रेस की सरकार आई, आपकी बोट में इंजन डालने के लिए कांग्रेस सरकार ने लोन दी, सब्सिडी दी, उसमें डीजल डालते थे तो डीजल में से सेलटेक्स बात करके आपको डीजल दिया, केरोसिन का पूरा कोटा दिया। आज गुजरात में जितने भी फिशरमैन के बंदरगाह हैं वो पूरा 22 साल के पहले कांग्रेस सरकार ने बनाया। एक भी भाजपा सरकार ने फिशरमैन के लिए नई सुविधा नहीं दी। यहां चारों ओर जो कोल्ड स्टोरेज बना, प्रोसेसिंग यूनिट बना, उससे गुजरात देश का जो फिशिंग प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करने में अव्वल नंबर रहा, लेकिन सरकार ने 22 साल में उसके लिए कुछ नहीं किया। हमारा वॉटर फ्रंट है, किनारा है, वो बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, फिशरमैन को उन्होंने कहीं ख्याल नहीं रखा। पाकिस्तान हमारी पोर्ट इसलिए ले जाते रहे कि समंदर में इतना प्रदूषण हो गया है, पॉल्यूशन इतना हुआ है कि हमारा फिश प्रोडक्शन कम हो गया 20 साल में, और इससे हमारी रोजी रोटी का सवाल खड़ा हुआ है। और इसकी वजह से किसानों को भी नुकसान गया, हमारे फिशिंग कम्युनिटी को भी नुकसान गया। हमने राहुल जी के कहने पर बोट यात्रा की थी, यही गांव में हम आए थे और उसी समय आपने समस्या भी रखी थी। राहुल जी की इच्छा थी इस सपा कि हमें जो इतना बड़ा समुद्र किनारा हमारे पास है उसका अच्छा उपयोग करके रोजगारी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन कुछ किया नहीं, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए आपसे मिलने के लिए यहां हमारे बीच आए हुए हैं, हम तो बार बार आपसे मिले हैं। राहुल जी के कहने से ही जो हमारी 1000 वोट आज पाकिस्तान में है उनके लिए हमारी सरकार थी तब वोट मालिकों के लिए 30 लाख का पैकेज डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से दिलवाया था, और उसी समय हमारे फिशरमैन जो पाकिस्तान जेल में थे उनके लिए 3 लाख का पैकेज दिलवाया था। बहुत बातें करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन उन्होंने आकर ये सभी पैकेज बंद करवा दिया। तो ये सभी हमारी बातें हैं, नया बंदरगाह हमें चाहिए, डीजल पर सब्सिडी चाहिए, केरोसिन का कोटा चाहिए, हमारे गरीब मछुआरों के लिए आवास योजना चाहिए, ये सभी बात आज राहुल जी आपके सामने करेंगे। मैं ये ज्यादा आपके बीच में नहीं रहते हुए मैं फिर से आप सबकी ओर से राहुल जी का आभार व्यक्त करके मेरी बात पूरे करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आभार राष्ट्रभाई अही नरेन्द्र भाई देव दिवाली पावन पर्व पर आपके हमारे अंगने में आने के लिए राहुल जी आपका स्वागत करते हैं। सब लोगों को दिवाली की मुबारक। हवे हूँ नरेन्द्र भाई ने विनती करू छू कि वो राहुल जी फूलहार स्वागत करे, और एम नरेन्द्र भाई टंडेल, दिनेश भाई टंडेल, नारायण भाई टंडेल, नानजी भाई टंडेल, चेतन भाई टंडेल, निरसन भाई वटीवाला, कौशल भाई जमने फूलहार करवा कहू है वो स्टेज पर आ नजीब भाई जल्दी जोरदार तालियों से बताइए राहुल जी नो साथ स्वागत करवा माटे धनंजय ट्रेनले विनंती करू छू।
તેઓ શાંતિથી સ્વાગત કરે. યુવક કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ છે, આ ગામના છે અને સમાજનો ચિતાર આપવા માટે હવે પછી ટૂંકમાં ભાઈ નાનજીભાઈને વિનંતી કરું છું. ભાઈ ધનંજય ચંદેલને વિનંતી કે હું આવીને શાંતિથી સ્વાગત કરીએ અને નાનજીભાઈને વિનંતી કે ટૂંકમાં રાજીવજી યહાં આયે છે, ઇન્દિરાજી આઈ છે, સોનિયાજી આઈ છે, રાહુલજી આપ આયે હે, હમ ખુશ હો ગયે. યહાં કે માછીમાર લોગ આજ આપકા હાર્દિક સ્વાગત કરતે હૈ. ભાઈ રણજીભાઈને વિનંતી કે ટૂંકમાં ચિતાર આપે, ત્યાર પછી સંવાદની શરૂઆત કરીએ છીએ. રાહુલજી આપની વચ્ચે જે મિત્રો સંવાદ કરશે એનું પહેલું નામ હું બોલું છું, નારાયણભાઈ કૃષ્ણભાઈ ચંદેલ. નારાયણભાઈ કૃષ્ણભાઈ ચંદેલ હું નરેન્દ્રભાઈ અને એમના પત્નીને એક મોમેન્ટ આપવા માટે વિનંતી કરું કે માછીમારોનું અમારું આ ચિહ્ન છે, રાહુલજી આપકે લીએ. હેન્ડમેડ હૈ, ઇધર ઇ બનવા ગયા હૈ. રણજીભાઈની વિનંતી કે ટૂંકમાં એવો ચિતાર આપે સમજનો, અને ત્યારબાદ નારાયણભાઈ કૃષ્ણભાઈની વિનંતી. કોંગ્રેસ ઉપાધ્યક્ષ માન્ય શ્રી રાહુલજી ઓર અન્ય લોકો મારા નમસ્કાર. કુસુમ્બા ગાંવ કી જનસંખ્યા કરીબ 25,000 તક હૈ. કુસુમ્બા ગાંવ મેં આઝાદી કે બાદ કુસુમ્બા ગાંવ મેં પહેલી વાર રાષ્ટ્રીય નેતા આકર અપના મશવરા ભાઈઓ કો કાફી સમસ્યા હૈ એ સુનને કે લીએ ઇનસે રાહુલજી આયે, ઇસકે લીએ મેં રાહુલજી કો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન દેતા હું ઓર નમસ્કાર મેરા. જોરદાર તાળીઓ થી બધાવી. પહેલે પહેલે કોંગ્રેસ કે શાસન મેં શાસનકર્તાઓ ને ખૂબ લંબી સોચ રખકર એક દો ગાંવ કે બીચ એક બરા પુલ બનવાયા હૈ. મિસ્ટર લિસાજી પતિ કી નિગરાની સે હુઆ હૈ ઓર લોકિયા આવન જાવન મેં સુવિધા બનાઈ હૈ ઓર એક ફિશિંગ જેટી ભી બનવાઈ હૈ. અભી મેને ડિમાન્ડ હૈ સૌ મશવરો કે બારે મેં રાહુલજી કો કે સાઉથ ગુજરાત મેં કહાં ભી બંદર મચ્છી કા બંદર બના નહીં હૈ તો વલસાડ કુસુમ્બા મેં અપના શાસન આયે તો પહેલા કુસુમ્બા મેં ફિશિંગ બરા હાર્બર બના કે હમકો મછવારો કો દે તો મછવારો કો આર્થિક ઉન્નતિ બઢ જાયેગી ઓર અપનકો જિંદગી બઢ યાદ કરેંગે. નમસ્કાર વૈષ્ણુ. આભાર ભાઈ નારાયણભાઈ કૃષ્ણભાઈને વિનંતી. થોડા મુજે આપને કભી દો તીન ચીજે કહી મગર આપ થોડા ગહેરાઈ મેં મુજે સમજાઈએ કે મછુઆરો કે સામને ગુજરાત મે સબસે બડી દો તીન સમસ્યા કોનસી હૈ. કહેના કે આપ મછુઆરો કે દો તીન બડી સમસ્યા કે આપ મેરે કો બતાઓ તો બડી સમસ્યા મેં કે મછુઆરો કે લીએ વોટ બનાના કાફી જરૂરિયાત હૈ. જો યુવા ભવિષ્ય કા યુવા ફ્યુચર કા યુવા વોટ નહીં બનાયેંગે તો ધંધા ક્યાં કરેગા. તો ચાલુ સરકાર ને અવ્યાસી અને બેજી બહુ સર્ટિફિકેટ રદ કરી દીયા હૈ, કિસી નયા વોટ કા રિસેન્ટ ડેટા નહીં તો એ દિલવાના ચાહીએ. ઓર એક ફિશિંગ હાર્બર મેં બતા એક ફિશિંગ બરા હાર્બર બનાને કા જરૂરત હૈ. તીન સારી સમસ્યા હૈ લેકિન જો બડી સમસ્યા હૈ હમારા જો બિઝનેસ હૈ મચ્છીમારી કા એક ખેડૂત એગ્રીકલ્ચર હેડ કે નીચે આતા હૈ તો ખેડૂત ભાઈઓ કો જો ઇન્કમ ટેક્સ માફી દિયા જાતા હૈ તો હમકો ભી મછુઆરો કો એ માફી ચાલુ કી જાય.
होनी चाहिए। और हमारा धंधा में अभी बायोमेट्रिक कार्ड के सिवा दरिया में जाने का मना कर रहा है कोस्ट गार्ड नेवी आदि ने, तो एक जब तक तमाम फिशरमैनों को ये आई कार्ड नहीं दिया जाए वहां तक अपना आधार कार्ड और कोई भी कार्ड के जरिए धंधे के रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखे। और डिजल में जो बढ़ोतरी आ रही है इसमें डिजल में गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स और रोड टैक्स डाला है, तो हमारी बोतल तो रोड पे चलती नहीं, हमारी बोतल दरिया का धंधा है, हम दरिया में ऑपरेट होते हैं, तो ये रोड टैक्स उसमें से नाबूद होना चाहिए, तो हमारा डिजल का दाम कम हो जाए और हमारा धंधा अच्छी तरह डेवलप हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूपीए के समय इंटरनेशनल पेट्रोल और डीजल का बहुत दाम ऊंचा था, हमारे समय $140 प्रति बैरल हुआ करता था, आज पेट्रोल का दाम $50 प्रति बैरल है, डीजल का भी दाम इंटरनेशनल मार्केट में बहुत गिरा है, तो मेरा सवाल यह है कि अगर पूरी दुनिया में डीजल और पेट्रोल का दाम गिर रहा है तो हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम ऊपर क्यों जा रहा है? मेरे ख्याल से आपकी बात सही है और सही दिशा से आप बात कर रहे हैं। जो बैंक खुद ऊपर जाता है, ऊपर था यूपीए की सरकार में तो अभी डीजल का दाम कम था, अब यह बिल्कुल कम हो गया है, 60 के नीचे आ गया है, फिर भी डीजल का दाम ज्यादा क्यों बना है? तो मेरा इसमें राय है कि सरकार ने किसी बहाने उनके लिए पैसा बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए ये भाव किता नहीं है, ये मेरा राय है। क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल होता है वो एक प्रकार से सब चीज में होता है, आपको मच्छी पकड़नी है उसमें भी आपका डीजल लगेगा, कपड़ा बनाना है उसमें भी डीजल और पेट्रोल लगेगा, लोगों को फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, तो डीजल और पेट्रोल का दाम सब चीज में होता है। और आजकल हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। एक और बात है, अगर डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर कर दिया होता या कर दिया जाए तो पेट्रोल का और डीजल का दाम भी कम होगा, मगर पता नहीं चुने हुए लोगों को फायदा देने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं कर रही। मुझे आज काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल मैंने कहा था पब्लिक मीटिंग में कि अगर इधर छाए होगी तो उधर भी छाए होने चाहिए और अगर इधर धूप होगी तो उधर भी धूप होने चाहिए, मगर आज बहुत अच्छा किया, आज यहां छाए लगा दी और यहां धूप लगा दी। और कोई मछुआरों की जो मुश्किलें हैं उसके बारे में कोई कहना चाहता है? आई अभी आई नहीं, मेरे साथ रही सोलंकी जी, आप ही आ जाइए। नमस्कार, हमारे गांव में राहुल जी बता रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई है। मेरा नाम कृष्ण भाई भगवान डंडेल। मेरा प्रश्न है कि हमारा मासीमार जो फिशिंग में जाता है उधर अकस्मात से डूब जाता है और उसको उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है तो उसको कोई राहत नहीं दी जाती है। दूसरा जगह में कोई भी एक्सीडेंट होता है उसको 4 लाख 5 लाख दिया जाता है, फिर हमारा मासीमार को आज तक एक भी पैसा दिया नहीं दिया गया और उसका डेड बॉडी नहीं मिलता है तो उसको जो डेथ सर्टिफिकेट मिलना बनता है तो डेथ सर्टिफिकेट के लिए 60 साल इंतजार करना पड़ता है, तो उसका प्रोसीजर भी कुछ 3 महीने जितना होना चाहिए, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और कोई हमारे यहाँ फिशिंग बोट के लिए नानजी भाई ने बोला तो भाजपा ने गुजरात में 2007 में
नया फिशिंग बोट का रजिस्ट्रेशन बंद किया और टीस बंद किया, अभी करता नहीं। अगर अगर कोई अन्य राज्य में से अपन पुराना बोट खरीद के लाते हैं तो उसका री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी गुजरात में करता नहीं। पहले करते थे ना, अभी करते थे बराबर। इसीलिए सब मछुआरे बोल रहे हैं कि भाई हमारा रजिस्टर होता नहीं, हम कैसे धंधा करेंगे, वो करेंगे। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा बोलता हूं कि रजिस्ट्रेशन फिर शुरू हुए ऐसा कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन। और जब उबेर बोर्ड पोरबंदर से लेकर बॉम्बे में वो अंडरग्राउंड गया था, तब उबेर बोर्ड में मछुआरे को मारकर फेंक दिया था बराबर। तो उसको अभी तक सरकार तरफ से राहत कोई मिली नहीं। और जो अभी वो अमरनाथ यात्रा में यात्रा के लिए गया और वो आतंकवाद का भोग बन के मर गया, तो गुजरात सरकार ने उसको 10 लाख रुपया दिया। तो हमारा क्या कहना है कि वो मछुआरे का उपयोग करके बॉम्बे तक जाता है और ताजमहल पर हमला करता है और उसका परिवार को भी 10 लाख तो मिलना चाहिए न। तो ये भी हमने एक घटना सब लिखा है आपको देने का साहब बराबर। ऐसा सब प्रॉब्लम, ऐसा तो बहुत प्रॉब्लम है। और हमारे मछुआरे जो दरिया किनारे खारपाट की जगह में रहता है, वर्षों पुराना बाप दादा से पड़दादा से रहता है, और वो सरकार की पत्थर जगह, और सरकार की पत्थर जगह में खुद झोपड़ा बना के मकान बना के रहता है, मगर वो मकान का मालिक आज तक नहीं बन सका। और सरकार में था क्या कि कोई भी प्राइवेट जगह में अपन 30 साल तक रहते हैं तो उसको ग्राउंड के तरीके दाखिल कर देते हैं, तो ये तो 100 साल 150 साल से पुराना माछी लोग रहता है, तो उसको कायदे सर का हक मिलना चाहिए। तो वो जमीन मछुआरे के नाम होना चाहिए और मछुआरे के नाम कर वो मछुआरे को सनद देना चाहिए। ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है और भाजपा ने अब तक सुना नहीं है। और जो आप पोल्यूशन की बात बोल रहे थे उसके बारे में थोड़ा गहराई में मुझे बताइए। वो पोल्यूशन में क्या है कि दरिया किनारे की पत्ती में सब उद्योगकारियों को जमीन दे के उद्योग रख दिया, और वापी में ऐसा सब जगह पर दरिया किनारा पर उद्योग रख दिया। उसमें केमिकल का पेट्रोल जाता है और केमिकल का पेट्रोल वो लोग नदी में छोड़ के दरिया में बेचता है, तो दरिया के किनारे की मच्छी सब मर जाती है बराबर। अपन उसके लिए कुछ बोलते हैं तो उसके कुछ अगर ही कुछ होता नहीं, कभी आता है इधर उधर करके जाता है, कोई नमूना लेके जाता है, फिर कायमी उकेल कोई होता नहीं। अभी तो वापी वाला ने सब समुद्र में ये छोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है, मगर वो हमारे मछुआरे को तो मच्छी कम हो जाएगी ना, मच्छी का भाव नहीं मिलेगा, मच्छी मर जाएगी, मच्छी नहीं मिलेगी, वो ऐसा होता रहता है। इसीलिए हम इसीलिए प्रदूषण बंद करने के लिए भी अभी भाजपा सरकार को आप पेशन करना चाहिए। अगर आप लोग की सरकार आ रही है तो हमारे प्रश्नों पर गौर करना चाहिए और ऐसा करके मछुआरे को राहत दे। आदरणीय राहुल जी हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गांव में सरकार की ओर से कोई पानी की योजना ही नहीं है। गांव के लोग कमेटी बना के सौ खर्च के अब पानी की सप्लाई करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि गांव में पानी का मीठा स्रोत ही नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर दूर से कुआं खोद के मोटर पंप से पानी सप्लाई करते हैं, इसलिए हफ्ते में 7 दिन में या 10 दिन में एक बार पानी आता है, इसलिए बहनों को बहुत पानी की दिक्कत है। जब गर्मी का सीजन आएगा तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। और जीएसटी और नोटबंदी से आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? अच्छा लगा या नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ आपको, क्या हो गया? ठीक है आप बताओ कि क्या क्या नुकसान हुआ, थोड़ा समझाओ। मिट्टी में नुकसान हुआ। कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ? फोटोग्राफर उसका नाम भी राहुल बोला। जब आपने 8 नवंबर को नोटबंदी की बात सुनी कि 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया गया है, तो आपको क्या लगा, दिल में क्या लगा आपको? दिल में बहुत दुख
को जो घर चलाने में बहनों को दिक्कत होती है वो भी अभी भी कम नहीं हुआ कि ये सब रोजगार इनका छीन गया है। वो लोग इससे घर चला रहे थे। हम सबको भी सर ये जीएसटी और ये सब महंगाई है उसमें हम सब सर घर नहीं चला सकते। और जो शिक्षा में प्राइवेटीकरण किया है वो भी सर हम मीडियम लेवल के जो लोग हैं उनको भी सर बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे दो छोटे तो सर भी अवेलेबल नहीं कर सकते तो शिक्षण के प्राइवेटीकरण जो गुजरात में है। और जो पैसा डालते हैं सर मैं तो ये कहती हूँ कि आप ज्यादा ध्यान दें। गुजरात में वैसे शिक्षा का और स्वास्थ्य का काफी प्राइवेटाइजेशन हुआ है। 90% आपके कॉलेजेस प्राइवेट हैं और उसमें जाने के लिए 5-10 लाख रुपए देना पड़ता है। सर नमस्कार सर। नमस्कार कैसे राम राम सर। सर जो हम लोग फिशरमैन कम्युनिटीज है और हमारा जो ये प्रॉब्लम है अभी जीएसटी का सब बात हो गया और ये अपना डेमोक्रेसी सर का उसके लिए नोटबंदी की वजह से जो बैन बोलती है हमारा पीस के अंदर 40% 50% काम गिर गया। मेन पीस इसमें दूसरा हम लोग का जो प्रॉब्लम होता है ये सब जब इलेक्शन आता है तभी सब्सिडी देता है डीजल का। आज तक डीजल का कोटा भी नहीं बढ़ाया और केरोसिन जितना 250 लीटर मिलता था वहां सब बंद हो गया। ये सरकार फिशरमैन के लिए जब से 2003 से जो एक्ट बना है फिशरीज एक्ट तब से पूरा उसका फिशरमैन की अप्रोच करती रही। ये बोर्ड का बीआरसी साहब ने बोला है मतलब अपना बीआरसी भी सर बंद हो गया। अगर कोई खेडूर होगा उसका बच्चे को बोलेंगे कि आप खेती लेना जमीन लेकर खेती नहीं करना तो फिशरमैन क्या देंगे उसको भी सर बोर्ड मिलना चाहिए उसका बीआरसी मिलना चाहिए। और सर दूसरा एक अभी रिसेंटली मोदी साहब गौरनगर आए थे रोडो फेरी के उद्घाटन के लिए तभी उसने एक चीज बोला सर कि ये ट्रॉलिंग फिशिंग जो है वो पुराना फिशिंग है उसको बंद कर देना चाहिए और डीप सी में लॉन्ग लाइनेड फिशिंग करने के चाहिए। लेकिन सर पूरा गुजरात में 10 से 12 हजार तक जो फिशरमैन है वो सब ट्रॉलिंग फिशिंग करते हैं तो उसके लिए ट्रॉलिंग फिशिंग बंद करना ये जो गवर्नमेंट है भाजपा गवर्नमेंट का उसका तो एक एजेंडा ही चल रहा है। 2 साल पहले गांधीनगर में सब फिशरमैन को बुलाया था वहां भी यही चीज बोला कि बॉटम फिशिंग ट्रॉलर फिशिंग बंद करना है। लेकिन इससे क्या होता है सर जो जैसा ही गुजरात में ट्रॉलिंग फिशिंग बंद कर देगा तो मालिक तो मर जाएगा लेकिन उसके साथ जो काम करने वाला जो खलासी लोग हैं उसके कंसर्न का जो भी बिजनेस सब ही खत्म हो जाएगा। सर हमको तो पूरा होप है कि आने वाली सरकार अपनी आएगी कांग्रेस की ही आएगी तो हमको एक रिक्वेस्ट है सर अपनी सरकार आएगी तो पहले डीजल का गोतासन कर दो। ये जो सब्सिडी का चक्कर है अभी तो बीसी का रेट भी बहुत कम है सब्सिडी का चक्कर है वो सब्सिडी का काम भी चालू कर दो। और केरोसिन का छोटे छोटे मच्छर है उसको पहले 250 लीटर मिलता था 35 लीटर भी मिलने का मुश्किल है तो वो भी है सब कोटा बना देने का। और ट्रॉलर फिशिंग का जो बंद करने का सरकार का एजेंड है इवन प्रधानमंत्री मोदी साहब बोल रहे हैं तो ये ट्रॉलर फिशिंग कभी भी बंद करने का नहीं तो गुजरात में पांचवी मन लोग ट्रॉलर फिशिंग को बंद करने से बड़े जो बिजनेसमैन है उनको फायदा होगा। और डीप फिशिंग का जो सिस्टम आया है डीप ट्रॉलर फिशिंग का और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का बोट मिलता है उसमें गवर्नमेंट बोलता है कि 40 लाख हम लोग सहाय देंगे तो वो पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ कौन यहाँ का गुजरात का फिशरमैन भी नहीं दे पा रहा वो तो सब मोटी पट्टी वही करेंगे सब छोटा छोटा जितना भी फिशरमैन है जो छोटी ट्रॉलर है उसको तो बंद कर देंगे तो जाएंगे क्या। यहाँ भी वही सोच है कि बड़े पैसे वाला वो बिजनेस है छोटा वाला खत्म हो जाए। तो अगर आप कांग्रेस पार्टी से जब हमारी यहाँ सरकार आएगी कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो सबसे जरूरी 2 चीजें कौन सी। सबसे जरूरी 2 है ये भाजपा सरकार का अभी जो एजेंडा चल रहा है कि गुजरात में ट्रॉलिंग फिशिंग बंद करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सर छोटे छोटे मछुआरा केरोसिन पे चल रहा है वो केरोसिन उसको देना ही चाहिए उसके पोता 250 उससे ज्यादा भी करेगा तो वो भी अच्छा है। और अभी अपना गुजरात के बाजू में स्टेट है एक ट्रॉलर में एक साल में 35,000 तक लीटर डीजल चला जाता है अपना गुजरात में 21,000 और 24,000 ही देता है महाराष्ट्र में 36,000 तक डीजल पोता देता है और पूरा का पूरा हर साल महाराष्ट्र में आज तक कभी भी ये बंद नहीं किया डीजल सब्सिडी। लेकिन गुजरात में 2003 के बाद जब भी इलेक्शन आएगा तभी उसके पहले 1-2 महीना पहले सब्सिडी जो बाकी हो दे देगा
बाकी खत्म। अभी जैसा इलेक्शन पूरा हो जाए वो सबसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। मछुआरों के लिए अगर आप अलग अलग प्रदेशों में देखें सबसे अच्छे कानून कौन से प्रदेश में है? सबसे अच्छे कानून तो सर हमको इतना आइडिया नहीं आता, लेकिन कर्नाटक में ऐसा लगता है, कर्नाटक में। लेकिन या तो मैं फिशरमैन के कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है वो। मेरा कांग्रेस का सरकार क्या कहते हैं? ये जो लोग अभी कह रहे थे कि जो मछुआरा है वो किसान जैसा है, किसान जैसा, और उस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो सर अभी एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन कर दिया, हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए था। अभी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितना भी ये फार्मर्स लोग हैं वो कितना भी आय करो, जितना भी इनकम करो, उसको कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन हम लोग को फिशरमैन को अभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से हम लोग को पूरा बैंक से कारोबार करना पड़ता है। अभी 3 लाख का हमारा कुछ हो गया, 3 लाख से ऊपर चलेगा हमको नोटिस आ जाता है। तो हम लोग को फिशरमैन को ये एक्सेम्पशन देना चाहिए। हम लोग भी दरिया का खेती करते हैं, दरिया में खेती, उसका क्या सर स्लैब क्या? आज कभी 1 लाख का मच्छी मिला, कल 2000 के भी नहीं मिलता है। अभी रिसेंटली इस साल जितना भी फिशरमैन है जीएसटी और नोटबंदी की वजह से पिछले साल अगर 10 लाख का मिलेगा उसका इस साल 3 लाख का मिलेगा। तो अगर 10 लाख का स्लैब पकड़ के हमको इनकम टैक्स डाल रहा है सरकार का, देखिए गलत है। टोटली इनकम टैक्स गवर्नमेंट को, एक्वाकल्चर वाले को टोटली बात इनकम टैक्स एक्सेप्शन देते हैं, क्योंकि उसका इनकम स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है सर। आज मिला कल नहीं भी मिलता है। जैसे हम आज 2 लाख का हुआ, दूसरे साल 20 लाख का हुआ, कभी 5 लाख का ऐसा सेम ऐसा फिसल मत कभी इनकम है सर। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले आपके दस। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, में वी हैव दो चीजें हमारे में ब्लड में है, एक तो फिशिंग जो इन्होंने बात की और दूसरा है शिपिंग। शिपिंग एक इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, क्योंकि आज वर्ल्ड में कोई भी कार्गो बड़े बल्क में ट्रांसपोर्ट करना हो इट्स ओनली शिपिंग। और यहाँ पे जितना भी यूथ है, आई थिंक अबाउट 35,000 पॉपुलेशन है गोसंबा में, उसमें 90% सीफेरर्स है। बट आउट ऑफ दैट गुजरात में ये साउथ गुजराती है विच कंट्रीब्यूट्स अबाउट 95% सीफेरर्स, लेकिन गुजरात में ही एडवांस मरीन ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मरीन इंजीनियरिंग और ऑफिसर्स लेवल के ऐसे कोर्सेज नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने इतने स्ट्रगल किया और हमें ये पोजिशन पे लिया, हम भी इतना स्ट्रगल करेंगे और फिर यहीं पे आएंगे, क्योंकि गुजरात में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है इनको ट्रेन करने के लिए। और क्रू भी जो ट्रेनिंग करता है, इन 6 मंथ्स ट्रेनिंग पास करने के बाद कोई जॉब उनकी फिक्स नहीं है, दे हैव टू सी लेट्स से फॉर 2-3 ईयर्स एटलीस्ट। और जिनका पुल है कंपनीज में उनको भी पे करना पड़ता है। सो सी फेयरर्स की ये जो इनकम है, सो ये जॉब मिलने के बाद ही है इनकम, बट जॉब अपॉर्चुनिटी इज अ वेरी बिग, गोइंग ऑन बोर्ड इज वेरी बिग, वेरी डिफिकल्ट। और सेकेंडली यहाँ पे जो फिशिंग इन्होंने बात की रिगार्डिंग पोल्यूशन, सो हमारे जो शिपिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि आई एम सेलिंग ऑन टैंकर्स, उसमें एक ड्रॉप भी पेट्रोल डीजल बाहर नहीं जाता, अदरवाइज हमें जेल हो सकती है। सो ये रूल्स इंडिया में क्यों अप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये वापिंग में वी आर सीइंग, हम लोग जहां पे पास होते हैं पूरा केमिकल्स ओपनली डिस्चार्ज होता है सी में, और वही केमिकल्स ओशन में आता है। तो फिशरमैन पकड़ेगा तो भी क्या है, कुछ नहीं है, और दैट इज नॉट हेल्दी ऑल्सो फॉर फिश, इसीलिए उसका प्राइस कम। थैंक यू सर। मैं आप कब कंक्लूड करना चाहिए आपसे, मैं बात बता दूँ आप यही रहेंगे। ओवरऑल गुजरात में मुझे लगता है कि खूब ध्यान से मुझे लगता है कि जिनके पास साधन है पैसा है, जो गुजरात के सबसे अमीर 5-10 उद्योगपति हैं, पूरा का पूरा ढांचा उनके फायदे के लिए चलाया जाता है। आज आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से मछुआरों की समस्याओं के बारे में बताया, और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं जो भी कांग्रेस पार्टी आपके लिए कर सकेगी, हम आपके लिए
हम आपके लिए करके दिखाएंगे। आपने रोजगार की बात उठाई, मैं दो तीन आंकड़े आपको देना चाहता हूं। मुकाबला हमारा चाइना के साथ है, या रोजगार वहां जाएगा या फिर यहां आएगा। चाइना दिन में 24 घंटे में 50,000 युवाओं को रोजगार देता है। आज हिंदुस्तान की सरकार 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार देती है। ये शर्म की बात है। रोजगार कहां से आएगा? छोटे व्यापारियों से, मिडिल साइज्ड बिजनेसेस से आएगा। उनको गुजरात में इग्नोर किया जाता है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। चुनाव से पहले हम मैनिफेस्टो बनाएंगे। ऐसे जैसे मैंने मीटिंग की है, वैसे हम आपके साथ और मीटिंग करेंगे, और जो आपकी मांगे हैं उनको हम अपनी मैनिफेस्टो में डालेंगे। अगर आपकी मांगे हमारी मैनिफेस्टो में घुस गई तो मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि वो काम हो जाएगा। तो आप नमस्कार, कैसे हैं आप? भरत भाई, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार, मैं राहुल जी से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, तालुका पंचायत का विरोध और कैमरामैन फिशरमैन हूं, इसीलिए बताना चाहता हूं कि जब भी कांग्रेस की सरकार थी तभी जो उड़ान नीति आई है, आज आप देखे हुए कि एंट्री में कितने बड़े बड़े बंगले से वो सब कांग्रेसी देन है। और पहले ट्रेनिंग सेंटर एक काकीनाड़ा में अपना नवलखी में था, वो भी कांग्रेस की सरकार में ही था, बाद में लोग ने बंद करके रखा है। मैंने भी बहुत ट्राई की, लेकिन आज तक, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा मेजोरिटी सिविल लोग की है, और हम सिविल लोग जो आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा लाके डेवलप किया हुआ है, लेकिन उसमें भी ये लोग की अभी नजर है। अभी आप जीएसटी एवल, अभी हम लोग का क्या एनआरए होता था, लेकिन एनआरए में भी अभी ऐसी सिस्टम ला रहे हैं कि सिविल लोग को भी टैक्स भरना पड़ा। कभी कभी किसी को नोटिस आ रहे हैं, बेचारे उनको समझ में नहीं आ रही है, तो सीए के पास जाके अननेसेसरी 2,000-3,000 रुपये कर रहे हैं। तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजीव गांधी की जो सरकार थी, जो उड़ान नीति आई, पहले खाली सिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐसे ही कंपनी थी, फिर बाद में फॉरेन की सब कंपनी आ गई, और आज हमारे सीमेंट लोग सब एनआरए आईटीएफ कंपनी में, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जो रजिस्टर्ड कंपनी है उसमें डॉलर में पेमेंट लेते हैं। इसलिए ये काम और इंटर डेवलप देख रहा है, और वो भी बरकरार रहे ऐसी कांग्रेस सरकार सेवा करे। ऐसी नड़े दादा थोड़ा आगे हाँ राहुल जी अने नेतागण आपणे वच्चे आवीने आपणे बधाने सांभळ्या छे ते बदल हूँ राहुल जी, गहलोत जी, अर्जुन भाई, शक्तिसिंह जी तमाम नो आभार मानु छु। राहुल जी आप कौशल भाई मछुआरों के बीच में रहे।